गई थी तू, इतना टाइम लगा दिया। तू तो बहुत सुंदर लग रही है। थैंक यू। और ये क्या पहना हुआ है यार? खैर मैंने तेरे लिए ना कपड़े ऑलरेडी निकाल के रखे हैं, जल्दी से चेंज कर। क्या अभी आई? अरे वाह कितनी प्रिटी लग रही है, जल्दी आ तेरा मेकअप कर देते हैं। स्माइल। तेरे घर से कॉल आ रहा है, रुक मैं उठाती हूँ। हेलो। हेलो परी, कहाँ है तू? मम्मी बताया था ना ऑफिस में पार्टी है तो वहीं जा रही हूँ। हाँ हाँ ठीक है, बट टाइम से घर आना, शाम को लड़के वाले आ रहे हैं देखने। मम्मी मैंने आपको बोला तो था मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे अभी करियर बनाना है अपना। झूठ बोल रही है मम्मा ये। इस कलन को कौन बुलाएगा पार्टी में आप बताओ? पक्का इसका चक्कर चल रहा होगा कहीं। देखो देखा, फोन भी कट कर दिया। बोल रही हूँ आपको मैं। हाँ बेटा देखती हूँ मैं, इसे आने दे आज। छोड़ तू ना भी इन सब चीजों पर बिल्कुल ध्यान मत दे, पार्टी में जाके रोहन को भी तो प्रपोज करना है। चल स्माइल कर, और अभी तेरा हेयर स्टाइल भी बचा हुआ है यार, बहुत काम है। अबे वो देख काली परियत सज के आई है, पता नहीं किसके कपड़े मांग के पहने हैं, इसके तो डेफिनेटली नहीं है। फाउंडेशन लगाने में से किसी का कलर तो नहीं चेंज हो जाएगा, अब रहेगी तो काली काली परी। सही मौका है उसे प्रपोज करने का, चली जा जाओ ना। हाय परी। हाय रोहन। यू लुकिंग गुड। थैंक यू। मुझे ना तुमसे कुछ कहना था। हाँ बोलो। आई लाइक यू। क्या क्या बोला तुमने? आई लाइक यू, शक्ल देखिए अपनी, मेरे साथ रिलेशनशिप में आना चाहती हो? परी तुमसे दो अच्छी बातें क्या कर ली, तुम तो सर पे चढ़ गई। तुमने सोच भी कैसे लिया कि हम दोनों एक हो सकते हैं? तुमसे हाथ क्या मिला लिया, तुम्हें घर तक क्या छोड़ दिया? इसका मतलब ये नहीं कि हम दोनों का कुछ है। मेरे साथ आओगे रिलेशनशिप में? परी मैं तुमसे इसलिए बात करता था, मुझे तुम्हारी दोस्त सपना पसंद थी, ना कि तुम। परी कराली बेस्ती। परी बेटा क्या हुआ? ये किसके कपड़े पहन के गई थी? और तू ऐसे गई थी पार्टी में? ओहो मैडम ने तो मेकअप भी किया हुआ है, और तू क्या सोच रही है, तू सुंदर लग रही है, कलंक लग रही है कलंक। मम्मी आप लड़के वालों को बुला लो, आप जिससे जहाँ बोलोगे ना मैं वहाँ शादी करूंगी। अरे वाह इसको क्या हुआ, चल के देखती हूँ। कह रही थी ये देख ये लड़का है जो मैंने तेरे लिए पसंद किया है, देख। मम्मी मुझे नहीं देखना, मैंने बोल दिया ना आप जिससे शादी कराओगी मैं उससे करूंगी। अरे बेटा ऐसे कैसे, एक बार देख तो ले, ये देख। मम्मी आप देख लो ना। रहने दो ना मम्मी, वैसे भी इस कलंक से कौन ही करेगा शादी। शो वैसे उस लड़के ने रिजेक्ट कर दिया क्या तेरे को? हाँ कौन ही रहना चाहेगा तेरे साथ। शक्ल देखिए अपनी, मेरे साथ रिलेशनशिप में आना चाहती हो? तुमने सोच भी कैसे लिया कि हम दोनों एक हो सकते हैं? मेरे साथ आओगे रिलेशनशिप में? परी मैं तुमसे इसलिए बात करता था, मुझे तुम्हारी दोस्त सपना पसंद थी, ना कि तुम। मेरे साथ आओगे रिलेशनशिप में? क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं दादी। मुझे पता है कि तू अभी शादी नहीं करना चाहती, अपना कैरियर बनाना चाहती, पर पता नहीं तूने क्यों हाँ कर दी। बेटा मैं तेरे साथ हमेशा नहीं खड़े हो सकती ना, तुझे अपने लिए अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए खुद लड़ना पड़ेगा ना। पर सबकी खुशी तो इसी में है ना। अपनी खुशी भी कोई चीज होती है ना,
पर आगे तेरी मर्जी, अपनी जिंदगी का फैसला सोच समझ के लेते हैं, ठीक है? अरे तू अभी तक यहीं पे, जल्दी तैयार हो जाके, लड़के वाले आते होंगे, जल्दी जा। बेटा एक बात सुनो, अभी ना परी को देखने लड़के वाले आने वाले हैं, तो ये रिश्ता पक्का करवाना है हमें, इसलिए कमरे से बाहर नहीं निकलना, ठीक है? पर मैं क्यों? मैंने जैसे बोला वैसे करो, चलो जाओ। नमस्ते। ये हमारा बेटा अमित है, बहुत बड़ी कंपनी में जॉब है इसकी। अरे वाह बेटा, बहुत अच्छे। वैसे हमारी परी भी जॉब करती है, पर अगर आप लोग बोलेंगे तो छोड़ देगी। अरे नहीं नहीं, हम ऐसा क्यों करेंगे। वैसे कितनी सैलरी है इसकी? अभी तो 50,000 कमाती है। माँ ये तो मुझसे भी ज्यादा कमाती है। वैसे बहुत गुणी है हमारी परी, देखो ये सारा खाना ना उसी ने बनाया है। अरे वाह, आपकी लड़की तो बहुत संस्कारी है। ये देखो परी भी आ गई, आ जा बेटा। अरे पापा हम तो चांद देखने आए थे, अमावस की रात कहाँ से आ गई? तुझसे ज्यादा कमाती है वो। अरे पापा काली भी तो है। अरे काली गोरी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पैसे देख पैसे। वो सब तो ठीक है, पर आपकी बेटी कुछ ज्यादा काली नहीं है? अरे माँ काली वाली छोड़ो, 50,000 रुपए महीना, हाँ कर दो हाँ। पर उससे क्या ही फर्क पड़ता है, सब एक बराबर है, सबको ऊपर वाले नहीं बनाया है। हमें आपकी लड़की पसंद है। अरे हमें भी आपका बेटा बहुत पसंद है, क्यों परी? रिश्ता पक्का। बेटा ये ले जाओ। अब आगे की लेन देन की बात कर ले, हमारी ज्यादा कुछ तो डिमांड नहीं है, पर बस शगन में हमें 20 लाख रुपए चाहिए। अरे बहन जी 20 लाख तो आपने बहुत ज्यादा मांग लिया। हमारी बेटी खूब पढ़ी लिखी है, बहुत लाड प्यार से पढ़ाया है हमने उसको, हम 10 लाख दे सकते हैं बहन जी, उससे ज्यादा तो। पर आपकी लड़की काली भी तो है ना। हमारी बेटी बहुत अच्छी है, आपके घर को पूरा बांध के रखेगी। बहन जी हम ज्यादा तो नहीं दे सकते, पर 10 लाख के साथ एक 2-व्हीलर दे सकते हैं। अरे नहीं नहीं 20 लाख तो हमने कहा। अरे माँ छोड़ो ना, 10 लाख रुपए मिल रहे हैं, 2-व्हीलर और 50,000 रुपए महीना भी तो है, हाँ कर दो हाँ। चलिए ठीक है, हमें रिश्ता मंजूर है। अरे बधाई हो बहन जी, बधाई हो। चलो 10 लाख खर्च हो रहे तो क्या हुआ, कम से कम घर का कलंक तो जाएगा। आज मेरी बेटी कितनी सुंदर लग रही है, पर तू इस फैसले से खुश तो है ना बेटा? हाँ दादी, सबकी खुशी इसी में तो मैं भी खुश हूँ। बहन जी ये लीजिए, अब हमारी बेटी और ये पैसे दोनों आपके हुए। गाड़ी की चाबी? जी भाई साहब। माँ माँ ये शादी नहीं हो सकती। क्यों बेटा? अरे बेटा क्या हुआ? अरे माँ झूठे ये लोग नंबर के। झूठ? कैसा झूठ बोला इन्होंने? अरे पापा इनकी एक और बेटी है एकदम खूबसूरत, उससे शादी नहीं करवा रहे हैं। वो जो काली के लूटी है ना, वो बांध रहे हमारे पल्ले। बोलो अब क्या हो गया, एक और बेटी नहीं है? आपने हमसे ये बात क्यों छुपाई कि आपकी दूसरी बेटी भी है? हाँ तो दहेज के दिए ना पूरे 10 लाख रुपए। ये देखो आ गई पापा, ये रही दूसरी बेटी इनकी। अरे दहेज क्या दिया, 10 लाख रुपए दिए? ऐसी शक्ल के तो 20 लाख से 1 रुपए कम नहीं लेंगे हम। हाँ तो गाड़ी भी तो दी है ना? अरे गाड़ी दी है, बाइक ही तो दी है, कौन सा जहाज दे दिया हमको? हाँ नहीं तो और वैसे भी इस काली कलूटी से नहीं कर रहा मैं शादी। क्या दोस्त बोलेंगे मेरे अमावस का चांद लेके आ गया काली कलूटी। अरे मेरे को नहीं करनी मम्मी से शादी, इससे तो अच्छा तो मेरी शादी मत करो कभी। अरे बेटा चलो बुढ़िया। अरे अब मैं अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ और कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। काली है ये मत पहनो, ये नहीं सूट करेगा। बाकी सब तो ठीक है पर लड़की काली है। अरे क्यों करते हो इतनी भेदभाव? तुम्हें तो क्या ही बोलूं जब मेरे अपने मेरी इज्जत नहीं करते। वैसे तो काली माँ की हम सब पूजा करते हैं ना, पर मेरा रंग काला है
तो उस पे क्यों हंसते हो? आज भी शादी करने के लिए सबको रंग सफेद ही चाहिए, बस बस अब और नहीं। बेटा रुको, दादी मुझे नहीं रहना अब यहाँ। कहाँ जा रही हो बेटा? रुको तो। परी परी, बहुत कर ली सबने अपनी मनमानी, अब मैं वो करूंगी जिसमें मुझे खुशी मिलेगी। अरे परी, अरे मम्मी चलो यार, हमने बहुत बेइज्जती करवा ली। हाँ हाँ चलो, बहुत ड्रामा हो गया। गुड मॉर्निंग मैम। हैव अ सीट। तुम नहीं, आप बोलो। और ये कंपनी मेरी है। जो भी हमारे पास्ट में हुआ उसे प्लीज भूल जाओ, मुझे नौकरी की बहुत जरूरत है, प्लीज। क्यों, अब तुम्हें शर्म नहीं आएगी कि तुम्हारी बॉस काली है? चलो मान लो मैंने तुम्हें जॉब दे दिया, पर क्या तुम्हें पता है इस ऑफिस में कई रंग के लोग काम करते हैं, चाहे वो गोरे हो या काले। मैं तुम्हें ये जॉब नहीं दे सकती। परी प्लीज, मुझे इस नौकरी की बहुत जरूरत है, परी प्लीज समझो। गेट लॉस्ट। प्लीज समझो, मुझे इस नौकरी की बहुत जरूरत है, प्लीज। तुम जा रही हो, मैं सिक्योरिटी को बुलाऊं। इस बार हमने एक डिफरेंट तरह की वीडियो बनाने की कोशिश करी है, वी होप कि आपने इससे कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। और अगर सीखा होगा तो वीडियो को ढेर सारा लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ये वीडियो उन लोग के साथ जरूर शेयर करना जो अपने कलर को लेके बहुत ही इनसिक्योर रहते हैं। और रंग चाहे काला हो, सफेद हो या सांवला हो, सारे ही रंग खूबसूरत होते हैं, तो आपको इनसिक्योर फील करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एंड वी बिलीव दैट वी ऑल आर ब्यूटीफुल इन आवर ओन वे। तो हम सबको इंग्लिश में बोल के लास्ट में हिंदी में। हाँ तो क्या हो गया।